बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोया है और मैं जोया रियल स्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम बहरिया टाउन रावलपिंडी बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा हम बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन को भी डिस्कस करेंगे। इस वक्त मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा खबरें ऐसी चल रही हैं कि बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। इसके अंदर क्या हकीकत है और क्या वाकई बहरिया टाउन डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, इस चीज़ को भी आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने गिफ्टेड फाइल्स के ऊपर भी डिवेलपमेंट चार्जेस नाफिज कर दिए हैं। ये डिवेलपमेंट चार्जेस कितने हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बहरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन के जो अलॉटीज हैं उनके लिए बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया है। इसकी भी तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मज़द नाज़रीन इकराम, आज से तकरीबन एक माह पहले बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने डेवलपमेंट चार्जेस का नफाज कर दिया था IDN और IET फाइल्स के ऊपर, लेकिन गिफ्टेड फाइल्स के ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस है वो नाफिज नहीं किए गए थे। उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि अभी तक इनका डिसीजन नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जैसे ही इसका डिसीजन हो जाता है हम आपको उसके मुतालिक भी अपडेट कर देंगे कि कब डेवलपमेंट चार्जेस इसके लगेंगे या कब और कितने लगेंगे। गुज़श्ता रोज बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि 5 मरला की जो गिफ्टेड फाइल्स हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस नाफिज कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो 8 मरला और 10 मरला की गिफ्टेड फाइल्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि कल मैंने गिफ्टेड 5 मरला की भी स्टेटमेंट निकलवाई, 8 मरला की भी निकलवाई और 10 मरला की भी निकलवाई, तो उसके अंदर सिर्फ 5 मरला वाली जो गिफ्टेड फाइल्स थी उनके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके थे, लेकिन 8 और 10 मरला वाली फाइल के ऊपर कल तक की डेट में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं लगे थे। आज अगर उनके ऊपर भी लग जाते हैं तो ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। यकीनन 8 मरला और 10 मरला जो गिफ्टेड फाइल्स हैं उनके ऊपर भी डेवलपमेंट चार्जेस आने वाले दिनों में लग जाएंगे। 5 मरला की जो गिफ्टेड फाइल्स हैं इसके ऊपर भी IET और IDN फाइल्स की तरह 8,04,000 रुपये डिवेलपमेंट चार्जेस इम्पोज किए गए हैं। इसी तरह 1,34,000 रुपये की एक साथ इनकी भी हैं और गिफ्टेड फाइल की जो इंस्टॉलमेंट जमा करवाने की आखिरी डेट है वो 30 नवंबर है, जबकि IET प्रॉपर IET और IDN फाइल्स की जो लास्ट डेट है जो बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने अनाउंस की है वो है 15 नवंबर, जबकि गिफ्टेड फाइल्स की जो डेवलपमेंट चार्जेस की पहली इंस्टॉलमेंट की आखिरी डेट है वो 30 नवंबर है। 30 नवंबर तक आपने अपनी पहली किस्त 5 मरला की जो 1,34,000 रुपये बनती है वो आपने जमा करवानी होगी। इसलिए वो तमाम गिफ्टेड फाइल्स वाले हजरात जिनके जहन में ये चीज़ें चल रही थी कि क्या पता गिफ्टेड को कहीं रिलोकेट ना कर दिया जाए, गिफ्टेड को फाइल प्लॉट्स देंगे भी या नहीं देंगे, तो यकीनन गिफ्टेड फाइल्स वाले जो फाइल होल्डर्स हैं उनको भी यकीनन बहरिया टाउन प्लॉट देगा और उनकी डेवलपमेंट भी बाकी प्लॉट्स के साथ डेवलप हो जाएगी, उनका एरिया भी डेवलप हो जाएगा। अब बहरिया टाउन ने डिस्काउंट ऑफर का ऐलान किया है। बहरिया टाउन मैनेजमेंट ने यह कहा है कि वो तमाम अलॉटीज जो अपने एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस 1 फरवरी से पहले पहले जमा करवा लेते हैं, जिसका मकसद है कि 31 जनवरी या उससे पहले पहले जमा करवा लेते हैं, उन तमाम लोगों को लमसम पेमेंट के ऊपर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर हम 8,04,000 रुपए की जो पेमेंट बनती है इसका अगर 5% देखें तो तकरीबन 40,000 रुपए बनता है।
अगर आपकी पेमेंट 5 मरला की 8,04,000 रुपये बनती है तो आपको तकरीबन 7.5 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस यकमुश्त अदायगी में जमा करवाने होंगे। अगर आप ये यकमुश्त अदायगी में जमा करवा देते हैं और तो आपको बाकी जो 5% है वो वेव ऑफ हो जाएगा। ये भी ज़रूरी था कि तमाम दोस्तों को बता दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमसे ये पूछ रहे थे कि अगर हम यकमुश्त में पेमेंट जमा करवाना चाहें तो हमें बहरिया टाउन को डिस्काउंट देगा या नहीं देगा। तो बहरिया टाउन की डिस्काउंट की जो पॉलिसी है वो आ चुकी है, आप इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। अगर इससे पहले आप अपनी पेमेंट जमा करवा चुके हैं यकमुश्त में तमाम, तो आप बहरिया टाउन के दफातर से रब्ता करें और उनसे अपना ये डिस्काउंट आप क्लेम कर सकते हैं। अब जो तीसरी और सबसे बड़ी खबर है कि बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर गया या बहरिया टाउन दिवालिया हो गया। पिछले कई दिनों से मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर जेरे गर्दिश है। हमारे कई क्लाइंट्स ने हमें स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं कि ये क्या हो रहा है। कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी ये पोस्ट किया कि हमें ये जो बहरिया टाउन की दिवालिया होने की खबरें चल रही हैं ये क्या है। जहाँ तक बहरिया टाउन का ताल्लुक है, बहरिया टाउन अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दे चुका है कि ऐसी तमाम जो कंपेन चल रही है जो सोशल मीडिया के ऊपर, ये बेसलेस है, इसकी के अंदर कोई हकीकत नहीं है। आज पाकिस्तान, कल गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े साफ़ी हैं जवेद चौरी साहब, उन्होंने मलिक रियाज साहब से खुद रब्ता भी किया है। उन्होंने उसका वॉइस नोट अपने ब्लॉग में भी अटैच किया हुआ है और उसमें भी मलिक रियाज साहब ने बिल्कुल यही कहा है कि बहरिया टाउन के खिलाफ जो लोग इस कंपेन के अंदर मुलव्वस हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी और बहरिया टाउन इसी तरह तरक्की करता रहेगा जिस तरह अपने माजी में उसने तरक्की की है। देखा जाए तो बहरिया टाउन ने पाकिस्तान की हाउसिंग इंडस्ट्री को जिस तरह डेवलप किया है, मेरे ख्याल में इसकी मिसाल इससे पहले कोई नहीं मिलती। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन गिनी चुनी ही हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको कोई कंपैरिजन किसी और प्रोजेक्ट के साथ नहीं किया जा सकता, जिसके अंदर DHA और बहरिया टाउन सरे फहरिस्त हैं। इस वक्त मीडिया के ऊपर कई यूट्यूबर सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अपने आप को, अपने व्यूज़ की खातिर इस तरह की खबरें फैला रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिससे बहरिया टाउन के तकरीबन लाखों जो शहर रहायशी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। लोग परेशान हो गए हैं कि अगर बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर जाता है तो हमारी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कहाँ जाएंगी। अगर खुदा न खास्ता बहरिया टाउन ने डिफॉल्ट करना हो, करता भी है तो उसका ऐलान या तो बहरिया टाउन मैनेजमेंट करती या कोई कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ऐसा ऐलान किया जाता या कोई सरकारी इदारा इसका ऐलान करता कि बहरिया टाउन डिफॉल्ट कर चुका है। इस तरह सोशल मीडिया की किसी भी कंपेन का आप हिस्सा ना बने। बहरिया टाउन मैनेजमेंट ऑफिशियली भी इन चीज़ों के बारे में मना कर चुकी है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिससे बहरिया टाउन डिफॉल्ट करे। आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर ये खबरें भी फैलाई गई कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, लेकिन हमने अपने व्लॉग्स में उस वक्त भी बताया था कि पाकिस्तान कभी भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, ना अभी करेगा ना आने वाली जितनी तारीख है, जब तक ये दुनिया कायम है पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि वक्त ने साबित किया कि वो तमाम जो स्पेकुलेशंस थी, ख्वाह वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी या बहरिया टाउन के अगेंस्ट हैं, जिसकी किसी के भी अगेंस्ट हैं, वो तमाम की तमाम रूमर्स ही साबित हुई। इंशाल्लाह बहरिया टाउन मैनेजमेंट की तरफ से जो ऑफिशियली बताया गया है वो यही है कि बहरिया टाउन कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहा। इस तरह की तमाम खबरें गलत हैं, आप ऐसी किसी भी स्पेकुलेशन, किसी भी रूमर पर कान ना धरें। और ख़ुद मलिक रियाज साहब का जो वॉइस नोट जवेद चौरी साहब के व्लॉग में उन्होंने अटैच किया है, उसके अंदर भी मलिक रियाज साहब यही कह रहे हैं कि कोई बहरिया टाउन डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये तमाम बेसलेस, झूठी और बेबुनियाद खबरें हैं। इसलिए ऐसी किसी भी कंपेन का हिस्सा मत बने और अपनी प्रॉपर्टीज़ को बिल्कुल उन्हें पौने दामों सेल मत करें, सिर्फ इसी चीज़ की परेशानी के लिए। अदरवाइज अगर आपको वैसे प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है तो उसके लिए हम आपको कुछ नहीं कह सकते। जहाँ तक इस स्पेसिफिक केस का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादातर केस जो है ना वो बहरिया टाउन कराची प्रोजेक्ट से रिलेटेड है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त चल रहा है।
तो उसकी जो भी लीगल ऑर्डर्स होंगे, लाजमी सी बात है जो भी कोर्ट ऑर्डर देगी बहरिया टाउन को, तो यकीनन बहरिया टाउन भी उन ऑर्डर्स को ओबे करेगा। बहरिया टाउन भी पाकिस्तान के कानून के मतहत काम कर रहा है और बहरिया टाउन भी कोई कानून से बालातर नहीं है। लेकिन ऐसे तमाम अनासर जो इस तरह के गलत र्यूमर्स फैला रहे हैं, मेरी उन तमाम से दरख्वास्त है कि ये मुल्क के मफाद में भी नहीं है और हमारी अवाम के मफाद में भी ऐसी खबरें नहीं होती, लिहाजा ऐसी खबरों से इज्तनाब किया जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग बहरिया टाउन, रिगार्डिंग बीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद, रिगार्डिंग बीएचए वैली, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो भी क्यूरी है उसको बर वक्त रिस्पॉन्ड करें, और अगर आप कोई चीज़ सेल या परचेज़ करना चाहते हैं बहरिया टाउन या डीएचए के अंदर, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपको बेहतर से बेहतर रेट पर बेहतर से बेहतर डील लेकर देंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।